brush. This is brush. ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? इसका मेन मकसद होता है पेंट करना, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा बहुत कम होता है। सबसे पहले इस्तेमाल होता है ये पेंट करने के लिए, फिर दूसरे फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है या फिर बालों को काला रंग करने के लिए, फिर उसके बाद अक्सर और इसको बल्कि ज़्यादातर बाइक साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कोने होते हैं ना वहाँ पर अच्छी तरह जाता है, उसके बाद फिर सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग कोने खुद अपनी सफाई के लिए, फिर मकैनिक इस्तेमाल करते हैं उसको कुछ काम वगैरह करने के लिए, तो काफ़ी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग इसको जहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, आज हम पेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली इसको। तो हमने पेंट क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, लेकिन अब ये है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने करना है, क्योंकि पेंट ज़्यादातर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको प्रोटेक्ट करते हैं चीज़ को ताकि वो ख़राब ना हो, गले ना सड़े ना, उसको जम लोहे को करते हैं क्योंकि उसको दाग ना लगे। तो अब ये है कि इतनी हमने मुश्किल चीज़ को पेंट करना है, इतनी बड़ी चीज़ है कि मैंने उसको पेंट मैं अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए मैंने स्पेशल एक दोस्त को बुलाया, तो वो आएगा फिर मेरी हेल्प करेगा, वरना मैं नहीं कर सकता उसको अकेला पेंट। तो अभी बस साता ही होगा अफजल, तो जैसे आएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो हम लोगों ने पता है इसको क्यों बुलाया? आज हम लोगों ने करना है बाइक का जो पिछला मडगार्ड होता है ना उसके अंदर वाले हिस्से को पेंट करना है, वो मैं बाद में बताता हूँ उसकी वजह क्या है। तो इसको मैंने बताया कि आज हमने वीडियो बनानी है, तो देखो कैसे नहा तो गया है भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं रोज़ ही नहाता। हाँ यार वैसे रोज़ ही नहाता है, मैंने असल में इसको फ़ोन किया कि भाई कहाँ पे आ, हेलो हाँ भाई कहाँ पे आ, बस अभी नहा के निकला हूँ, चल आ जा यार फिर काम है थोड़ा सा, तो फिर इस वजह से अफजल आ गया। तो अभी हम लोग फिर पेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आसान काम है यार, मुश्किल नहीं है दादा, चलो फिर। अरे भाई ये तो खुल ही नहीं रहा, मैंने तो कहा था आसान होगा, ये तो डब्बा ही नहीं खुल रहा, आगे का काम कैसे करेंगे हम लोग भाई? ये नहीं खुलता भाई, मैं नहीं खोल रहा इसे, ये नहीं खुलता, लो बात ही खत्म होगी, अब क्या करें फिर? क्या यार डब्बा क्यों नहीं खुल रहा यार? तो बोतल भी कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा शायद। आ गया। क्या आ गया? वो कहाँ जा रहा है भाई, बोतल तो भी ले। ओ भाई तो आखिरकार ये डब्बा एक खुल गया है और हमने पेंट स्टार्ट कर दिया, अभी इंशाल्लाह इसको अभी जल्दी पेंट कर लेंगे। तो ये पेंट इस वजह से किया जाता है क्योंकि पानी लगने की वजह से या फिर मौसम वगैरह की वजह से चेंज होने की वजह से इसको जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, इस वजह से जंग से बचाने के लिए ये बाहर का मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस चीज़ को किया जाता है, जैसे नया मडगार्ड लिया जाता है तो उसको पहले पेंट किया जाता है ताकि ये ज़्यादा देर तक चल जाए, तो हर कोई यही चाहता है कि उसकी चीज़ ज़्यादा देर तक चले, और तो इसी वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा चलाते हैं चीज़ को ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ब्रश की मिसाल दी थी। तो नहीं वैसे सेफ्टी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, तो करनी चाहिए। वैसे लाइट कलर किया जाता है इसमें, लेकिन अभी हमारे पास चॉकलेट कलर है तो इस वजह से अभी हम इससे गुजारा करेंगे। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं अफजल भाई को ड्राइविंग सिखाने के लिए। ओह रियली, मैं ड्राइविंग सीखूंगा? हाँ जी भाई, काफ़ी दिन से तंग कर रहा है मुझे कि भाई मुझे गाड़ी सिखाओ, तो मैंने कहा चलो यार आज मुझे ड्राइविंग सीखने का बहुत शौक है, काफ़ी दिन हो गए मैं भाई को कह रहा हूँ भाई मुझे ड्राइविंग सिखा दो। भाई हर चीज़ का शौक होता है हर किसी को, बाइक चलाने का भी शौक होता है नया नया, जब तक उसको बाइक नहीं चलानी आती तब तक उसको बहुत शौक होता है, गाड़ी का भी ऐसे शौक होता है जैसे ही उसको चलानी आ जाती है उसके बाद उसका शौक़ ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसको काम करने पड़ते हैं सारे।
ये भी बात ठीक है, उतर जाएगा आपको शौक देखकर। तो अभी हम लोग इस कॉलोनी में आ चुके हैं, फातिमा टाउन में। हम इधर क्यों आए हैं? हम इधर आए हैं अफजल भाई को गाड़ी सिखाने के लिए। तो बात यह है कि गाड़ी तो कहीं भी सीख सकता है भाई, लेकिन यहाँ पर आने की वजह यह है कि ये देखो आप, खुला एरिया है सारा। यहाँ पर फ़ायदा हमें यह है कि अच्छी तरह फोकस कर सकता है गाड़ी चलाने में, नहीं तो गलियों में भी सीख सकता है बंदा। लेकिन जब गलियों में बंदा नया नया सीखता ना, तो उसमें ये नुकसान होता है कि वो चलाने पर फोकस करे या फिर ट्रैफिक पर फोकस करे। यहाँ पर यह है कि इतनी ट्रैफिक वगैरह नहीं है, स्कूल से गाड़ी सीख सकते हो आप। तो ये फ़ायदा अफजल भाई को यहाँ सीखने का। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अभी फिर अफजल भाई को सिखाते हैं और आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है? फिर भाई रुक जा। हाँ तो भाई कैसा सिखाया फिर भाईजान? एक दिन में देखो भाईजान गाड़ी खुद ही चला रहा है। क्या था भाई? थैंक यू भाईजान, थैंक यू। मानते भाई फिर भाईजान ड्राइविंग है यार भाई। क्या बात, चलो दिन की मसरूफियात से फ्री होकर हम लोगों ने खाना खा लिया है। और जब इंसान थक के खाना खाता है ना, तो उस खाने का मज़ा डबल हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ ये काम नहीं किया, इससे पहले जो सारा दिन गुजरा उसके अंदर, उसमें मैंने सारा दिन काम ही किया। तो अभी यह है कि अभी फिर खाना मिला हम लोगों को, तो हमने खाया तो काफ़ी मज़ा आया। अगर आप लोगों ने शायद गौर किया हो, क्या पता गौर किया हो, तो उसमें यह है कि आप देखोगे कि मेरी तकरीबन ज़्यादातर वीडियो में खाना कहीं ना कहीं आ ही जाता है, चाहे वो छोटी मोटी चीज़ हो या जैसे भी हो, खाना आ जाता कहीं ना कहीं से, हर वीडियो में नहीं लेकिन ज़्यादातर वीडियो में। तो उसका तो मैं ये सोच रहा था यार, एक वीडियो स्पेशल खाने पे ही बना दूँ। तो उसमें ये है कि जैसे इसमें थोड़ा बहुत सीन होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, उसमें मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा खाने के बारे में। तो कोशिश करूँगा मैं, अभी नहीं लेकिन जैसे टाइम मिलेगा तो फिर बनाऊँगा। तो अभी के लिए अफजल भाई कुछ कहना आपने? बस यार थैंक यू, आपने आज मुझे गाड़ी सिखाई और उसके बाद खाना वगैरह का जो आपने खिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो यार। अगर मेरा शुक्रिया अदा करना है तो ड्राइविंग के लिए करो बस। चलो ठीक है यार, आपका ड्राइविंग के लिए शुक्रिया। हाँ। सब जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा ऐसे ही है, ताला का बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, बाकी अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह। ओके अल्लाह।